नमस्कार, मैं जेनिलता भट्टराई स्वागत करती हूं आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। हर दिन की तरह आज भी मैं आपके पास लेकर आई हूं 10 ताजी खबरें। पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। वियतनाम में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए हेनरी किसिंजर और ले तब थो को 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया। ले डक थो ने मना कर दिया और विरोध के कारण किसिंजर ने इसे एकत्र नहीं किया। आलोचकों का तर्क है कि वियतनाम युद्ध से इसके संबंध को देखते हुए यह इतिहास के सबसे खराब नोबेल शांति पुरस्कारों में से एक है। मध्य प्रदेश भाजपा नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की है कि वह अपनी मां की प्रेरणा का अनुसरण करते हुए स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। रूस में बहुमती अभी भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा करता है। जून 2023 में समर्थन बढ़कर 78% हो गया। हालांकि समर्थन अलग अलग है, प्रचार और सीमित सूचना स्रोतों के कारण अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक भरोसा है। रूसी मीडिया का प्रभाव मजबूत है, खासकर छोटे शहरों में जहाँ राज्य के स्वामित्व वाली मीडिया हावी है और स्वतंत्र स्रोतों पर इंटरनेट की पहुंच सीमित है। मीडिया यह धारणा बनाता है कि कुछ लोग युद्ध का विरोध करते हैं, जिसके कारण कुछ लोग वित्तीय कारणों से कॉल अप पेपर स्वीकार करते हैं। विदेशी शत्रुओं और रूस के अनूठे विकास पथ का विचार एक प्रचार उपकरण है। असहमति जताने पर सजा दी जाती है और सार्वजनिक रूप से खुली चर्चा को हतोत्साहित किया जाता है। इलॉन मस्क पर अमेरिकी वित्तीय नियामकों द्वारा ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से जाना जाता है, की खरीद की जांच में सहयोग करने से इनकार करने के लिए मुकदमा दायर किया जा रहा है। सियोक्टोरीज एंड एक्सचेंज कमीशन चाहता है कि वह तीसरे गवाही सत्र के लिए बैठे, लेकिन मस्क ने वकीली ने एसएपी पर आरोप लगाया। उत्पीड़न का यह मुकदमा मस्क और एसएपी की बीच श्रृंखला का नवीनतम विवाद है। ऐसे ही इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मस्क की 2022 स्टॉक खरीद और उन निवेशों के बारे में बयानों ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है। मस्क के पिछले दो गवाह सत्रों में भाग लिया गया था और उनके वकील ने तर्क दिया था कि आगे की मांगे अनुचित थी। 19 साल की उम्र में हेले विल्सन ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला स्केटबोर्डर बनी, लेकिन 20 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति हो गई। अब वह मनोरंजन और सामग्री निर्माण के लिए स्केटिंग का आनंद लेती है। उन्होंने सिडनी में एक प्रतियोगिता में अतिथि भूमिका निभाई। इस बीच क्लो कोवेल और हेली पॉवेल जैसे युवा स्केटर्स ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य पेरिस 2024 है। एक्सन मोबिल लगभग $60 बिलियन में पायनियर नेचुरल रिसोर्सेस का अधिग्रहण करने के लिए उन्नत बातचीत कर रहा है। 1998 के बाद से यह एक्सन का सबसे बड़ा सौदा होगा, जो आकर्षक परमियम बेसिन में अपनी अनुपस्थिति का विचार करेगा, जो अपनी कम निष्कर्षण लागत के लिए जाना जाता है। पायनियर तीसरा सबसे बड़ा परमियम उत्पादक है। सौदे का जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से एक्सन को भंडार को फिर से भरने के लिए स्थापित तेल उत्पादक भूमि प्रदान की जा सकेगी। हालांकि उच्च तेल लाभ और उपभोक्ता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को देखते हुए इसे राजनीतिक और नियामक जांच का सामना करना पड़ सकता है। अन्य तेल कंपनियां भी जोखिमों के कारण नए क्षेत्र की ड्रिलिंग करने के बजाय अधिग्रहण की ओर रुख कर रही हैं। पायनियर स्वयं हाल ही में अधिग्रहणों के माध्यम से विकसित हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में 7 शिक्षकों को बर्खास्त करने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। नौकरियों को सुरक्षित करने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का उपयोग करने वाले शिक्षकों द्वारा अनियमितताएं पाई गई है। यह भर्ती प्रक्रिया में स्कूल प्रबंधन उम्मीदवारों और शिक्षा विभाग के बीच मिली भगत के व्यापक मुद्दे को उजागर करता है। सीबीआई पहले से ही एक अन्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में इसी तरह के मामले की जांच कर रही है। गूगल ने अपना 25वां जन्मदिन एक विशेष डूडल के साथ मनाया। जी हाँ, जो कैलिफोर्निया के एक गैरेज से वैश्विक तकनीकी दिग्गज बनने तक की उसकी यात्रा को दर्शाता है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज का लक्ष्य इंटरनेट को और अधिक सुलभ बनाना था। गूगल का मिशन अपरिवर्तित रहता है, जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना। सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने संदेश में उपयोगकर्ताओं
कर्मचारियों और नवाचार के लिए आभार व्यक्त किया। हैदराबाद एफसी के मुख्य कोच थांगबाई सिंगटो ने आईएसएल 2023-24 सीजन में लगातार दूसरी हार के बाद निराशा व्यक्त की। जमशेदपुर एफसी के खिलाफ एक करीबी मैच के बावजूद चूके हुए मौके और री ताचिकावा की एक सटीक फ्री किक उनकी हार का कारण बनी। सिंगटो ने अपने घरेलू मैदान पर जमशेदपुर एफसी से खेलने की चुनौतियों को स्वीकार किया और जीत हासिल करने के लिए अपने आक्रमण कौशल में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी टीम के प्रयासों की सराहना की, लेकिन अवसरों को गोल में बदलने के महत्व पर प्रकाश डाला। युवा खिलाड़ियों की नई टीम को देखते हुए सिंगटो टीम के प्रदर्शन को लेकर आशावादी है और उसका लक्ष्य घरेलू मैदान पर भविष्य के मैचों में अपने समर्थकों को गौरवान्वित करना है। ऐसी और भी दो रोमांचक खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल ना भूलें कि ये एक सिंगल वर्ल्ड है। धन्यवाद।